सो गाइस अभी ये मिर्चा काट रही हैं, तो फिर मिर्चा एक तो एक पे तो धार लगी चुकी है और दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। पढ़ो बोल दीदी। चौथे पे भी आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा मिर्च। भरवा मिर्च नाम तो अच्छा है, देखते हैं डिश अच्छी है या नहीं। इस तरह से मैंने सारी मिर्ची ली है, इसको धुल ली है, अब इसको बीच से कट कर लेंगे, मतलब चीरा लगा देंगे और फिर इसमें मैंने मसाला जो तैयार किया है वो भर देंगे। बाकी हाँ, तो इसे आप भरा मिर्च भी कह सकते हैं। और ये मैंने तैयार कर लिया है स्टफिंग, इसमें लहसुन है ज़्यादा सा और जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर और अमचूर पाउडर डाल लिया है मैंने। आप मेथी, मंगरेल ये सब भी ले सकते हैं भून के पाउडर बना के उसको। इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा वेट बनाने के लिए, और इसको सारा नमक डाला है, इसको सारा मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। मैंने इसमें दो भरा मिर्चे डाले थे क्योंकि मसाले थोड़े रह गए थे, मैं नहीं ले पाई थी। और अभी आप देख रहे हैं जो मैंने मिर्च काट के रखी हुई थी मोटी वाली मिर्च, उसे मैं अच्छे से सब में भरूंगी इसको। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मिर्च में मसाला भर रही हूँ, और इस तरह से एक एक करके बारी बारी मैं सारे मिर्चे में मसाले भर लूंगी। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो खाने में आपने मेरा बेटू भी साथ में कमेंट्री कर रहा है यहाँ पे, जिद नहीं करेंगे, जिद मतलब किसी बट उनको भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ वैसे ही वो साइड से कमेंट्री जरूर करने लगते हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है। और ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, मैं जब भी बनाती हूँ कम ही पड़ जाता है और दो दिन में ही ख़त्म हो जाता है। आप इसको महीना भर के लिए कम से कम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, आप महीना भर चल जाता है ये आराम से। एक बार बनाएंगे, हमारे यहाँ तो दो दिन भी नहीं चलता है, हम सब दो दो तीन तीन एक साथ में खाते हैं। ये दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, आपके साथ किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं, किसी घी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ये है बना हुआ आपके पास तो आप दाल चावल बड़े प्यार से खा सकते हैं, इनफैक्ट दो चार बाइट ज़्यादा ही खा लेंगे आप इसके साथ में। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, आप अगर नहीं बनाया है तो बना के ज़रूर देखना। ठंडी का सीजन है, इसमें खूब मिर्चे आ रहे हैं हरे वाले, और आप देख रहे हैं मैंने कितना अच्छा देखने में लग रहा है, मैंने ढेर सारे मिर्चे भर डाले हैं। अभी मैं इसको ले जाके और फ्राई करूँगी, और अभी मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल, ये सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मेरा तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, आप थोड़ा कम करना। मैं एक एक करके मैं डाल दूँगी, कढ़ाई छोटी है हमारी, ऐसे आप एक एक करके ऐसे डालें कि सारे मिर्चे कढ़ाई के तलवे में तक हैं। हमारी क्वान्टिटी ज़्यादा थी तो ये ऊपर नीचे हो गए थे और चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। एक बार डाल के फिर एक बार पलट के इनको ढक के रख देते हैं अगेन। फिर से मैं, आप देख रहे हैं आधा हो गया है, और फिर से मैं इसको चला के ढक दूंगी ताकि एक तरफ का हो गया है दूसरी तरफ का भी हो जाए। और इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में, मेरा मन हो रहा है मैं अभी खा लूँ इसको। तो अब कलर चेंज हो जाता है इसका, जब ये पक जाती है तो पूरी तरह कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से, और आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगती है। बाय।